चलचित्र अभियान की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। एक हमारे गन्ने का भुगतान नहीं हो पा रहा टाइम पे और दूसरा बिजली वालों की तरफ से। उसूलों पर आंच आए तो टकराना जरूरी है, जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। चाहे सत्ता हो चाहे विपक्ष हो, ताकत सिर्फ जनता से मिलती है। हमारे जो किसान है उनकी ट्यूबवेल पे आप लोग मीटर ना लगाए। आप सब यहाँ पर जिडाना गांव के सभी सम्मानित गांववासी और कांधले के सभी लोग जो यहाँ पर मौजूद हैं, सभी को अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। ये जो पंचायत है हमारी, ये बहुत ही खूबसूरत पंचायत का आयोजन किया है। सभी ने बहुत मेहनत करी, हमारे किसान यूनियन वालों ने बहुत मेहनत करी है। आजकल धरनों का दौर चल रहा है, आप तो देख ही रहे हैं। अब तो सप्ताह वाले भी धरने देने पर मजबूर हो रहे हैं। तो ये जो दौर है, क्योंकि सरकार ऐसी है कि वो आम जन की बात, हमारे किसानों मजदूरों की बात समझने के ना काबिल है और ना समझना चाहती है, इसलिए आपको और हमें मजबूर कर दिया जाता है कि हम लोग धरने पर बैठे अपना दिन का काम सारा छोड़कर अपनी आवाज़ को वहाँ तक पहुँचाएं। उन्हें ज़रूरत है कि वो आकर हमारी आवाज़ सुने। जनता से ही सत्ता है, सत्ता से जनता नहीं है, लेकिन ये सरकार ये बात समझती नहीं है, इसलिए आपको और हमें ये मजबूरी के तहत यहाँ पर बैठना पड़ता है अपनी बात उन तक पहुँचाने के लिए। इसलिए आपकी हौसला अफजाई के लिए एक बात कहना चाहती हूँ, आप लोगों ने इतना कीमती वक्त दिया, यहाँ पर आए, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। कि उसूलों पर आंच आए तो टकराना ज़रूरी है, उसूलों पर आंच आए तो टकराना ज़रूरी है, जिंदा हो तो जिंदा नजर आना ज़रूरी है। तो ये आपकी जिंदा दिली है, आपकी और हम सब की मेहनत है कि हमें इसी तरह लड़ाई लड़कर अपनी आवाज़ उठानी पड़ेगी, अपनी स्वाभिमान की बात करनी पड़ेगी। तो आपको आज नहीं, ये पूरे 5 साल के लिए कम से कम उत्तर प्रदेश में तो यही हाल रहने वाला है। ऊपर वाले से उम्मीद है कि 24 में शायद हमारे हालात बदल जाए, सरकार बदल जाए, लेकिन आपको इसी तरह संघर्ष करना पड़ेगा। हम आपके साथ खड़े मिलेंगे हमेशा, लेकिन हमें आपकी ज़रूरत है, आपकी ही ताकत है जिससे हम आगे बढ़ पाएंगे, अपनी मजबूती से आवाज़ उठा पाएंगे। अभी कुछ दिन पहले हमारे यहाँ कंडेला में एक पंचायत थी, आप लोग सब जानते भी होंगे, विपक्ष वहाँ पर ना के बराबर ही थे, मुझे भी मना किया जाने के लिए, सत्ता वालों की वो पंचायत थी। आप ये देखिए कि इतने बड़े लोग, मंत्री लोग, सरकार के लोग दो तबादले कराने में भी असक्षम रहे। आप लोगों की ताकत के बलबूते पे उन्होंने वो तबादले करा पाए। तो चाहे सत्ता हो चाहे विपक्ष हो, ताकत सिर्फ जनता से मिलती है। तो इसलिए आप लोगों को अपनी ताकत को समझना पड़ेगा और सरकार की साजिशों को समझना पड़ेगा। यहाँ पर जो हमारी जो मांगे हैं, 12 मांगे रखी गई हैं, सभी मांगों से आपको समीर मलिक जी ने अवगत कराया, अशरफ अंकल ने सभी को बताया उनके बारे में। तो ये जो हमारी मांगे हैं, इसमें जो दो मेरे समझ में जो दो मोटी बातें आती हैं वो ये है कि दोहरी मार हमें सरकार की तरफ से मिल रही है। एक हमारे गन्ने का भुगतान नहीं हो पा रहा टाइम पे और दूसरा बिजली वालों की तरफ से। इस साल हमारे इलाके में क्योंकि बारिश कम हुई है तो सिंचाई के लिए भी हमें अधिक बिजली की ज़रूरत है। तो इस पंचायत के माध्यम से मैं प्रशासन वालों से और विद्युत विभाग वालों से अपील करूंगी कि हमारे जो किसान हैं उनकी ट्यूबवेल पर आप लोग मीटर ना लगाएँ और उनको इसमें रियायत दें कि कम से कम अपनी सिंचाई तो कर पाएं फ्री में। ये मांग हमने, ये जब सरकार ने चुनाव के दौरान अपने मैनिफेस्टो में देखा देखी में, विपक्ष के मैनिफेस्टो देख देख कर ये वादा किया था, लेकिन ये वादा आज तक पूरा नहीं हुआ है। तो इसीलिए आपको और हमें ये लड़ाई लड़नी पड़ रही है। तो मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि ये हमारी दोहरी मार जो है इसको रोकने के लिए आपको और हमें, चाहे किसान यूनियन का मंच हो, चाहे कलेक्ट्रेट पे जो धरना चल रहा है टिकैत जी के संरक्षण में, चाहे वो धरना हो, हमें सभी जगह इसी मजबूती के साथ, भाईचारे के साथ पहुंचना पड़ेगा। और लोकदल वाले यहाँ पर मौजूद हैं, हम अपनी पार्टी की तरफ से, समाजवादी की तरफ से, हम भी यहाँ पर समर्थन करने के लिए आए हैं। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के हमें यही आदेश है कि आप अपने क्षेत्र में, चाहे आपका संयुक्त गठबंधन का धरना हो, लोकदल का धरना हो या किसान यूनियन का धरना हो, हमें हर जगह मौजूद रहने के आदेश हैं, इसलिए यहाँ पर उपस्थित हैं। और बस यही कहना चाहती हूँ कि आप लोगों को
इसी तरह हिम्मत दिखानी पड़ेगी, हिम्मत जुटानी पड़ेगी। हमारे इतने अच्छे लोग हमारे साथ हमारे हमारे मार्गदर्शन के लिए बैठे हैं, हमारे विधायक भी हैं दोनों। हम लोग कुछ नहीं है, लेकिन हमारे जनप्रतिनिधि वो लोग हैं। हम नई विधानसभा जा सकते हैं, इसलिए हम यहाँ से उनसे गुजारिश करते हैं कि आज जितनी भी मांगे उठाई गई वो उसको सड़क से सदन तक ले जाने का काम आप लोग कीजिए। आपसे हमारी ये गुजारिश है। और मेरे बड़े भाई नायब हसन, उनको आप सबने इतना प्यार इतना आशीर्वाद दिया कि वो जेल में रहते हुए ये चुनाव जीते। बहुत कठिन परिस्थितियां थी, आज भी वो जेल में हैं। उनकी लगातार कानूनी कार्रवाई पैरोकारी करने का काम हम लोग कर रहे हैं और आप सबसे दुआओं की दरखास्त है उन्हीं के लिए। लेकिन उसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि अब क्योंकि इतना टाइम हो गया, एक हिम्मत होती है जो टूटती नजर आ रही है, तो इसलिए मेरी ये भी अपील है कि अगर जैसा अशरफ अंकल कह रहे थे कि अगर विधानसभा में इस बात की चर्चा हो पाए तो हम आपके बहुत एहसानमंद रहेंगे कि अगर आप इस बात को सदन में उठा सके, क्योंकि हमारी तरफ से आप ही वहाँ जा सकते हैं, हम लोग नहीं पहुँच सकते। तो आपसे मेरी ये गुजारिश है कि अगर इस बात पे वहाँ कोई चर्चा हो पाए तो हमें बहुत उससे मदद मिलेगी, हमें हिम्मत मिलेगी। बाकी यहाँ पर हम संदीप मलिक जी के साथ मौजूद हैं, धरने में आगे भी जो भी काम होगा। दो तीन बातें बिजली विभाग वालों की तरफ से भी मैं आपको बताना चाहती हूँ। ये जो विभाग वाले हैं अलग से अपनी नीति नहीं बना सकते, सरकार की नीति के तहत चलते हैं। इनका आप ये देखिए कि आसपास के जितने भी हमारे प्रदेश हैं, सबसे ज़्यादा जो महंगी दरें हैं बिजली की वो हमारे ही प्रदेश में है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारी जो सरकार है वो निष्क्रिय है, निकम्मी सरकार है। तो इसलिए हमें आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। ये लोग सक्षम हैं अपने ही देश से 3,000 टन कोयला खरीदने के, लेकिन क्योंकि ये पूंजीपतियों की सरकार है, यहाँ पर SDM साहब भी आ चुके हैं, ये हम 3,000 टन कोयला खुद खरीद सकते हैं अपने देश से, लेकिन ये लोग फिर भी काम भूल गए क्योंकि इन्हें अपने कुछ पूंजीपतियों की जेब भरनी है।